सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देखोगे आरती इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर आखिरकार कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं भाई डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया। अभी ये करंट क्वार्टर प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वो कैसी है, 1860 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1773 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1414 करोड़ की इनकम, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में काफ़ी अच्छा जंप रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे बीच का जो एक्सपेंस रहा है, यानी जो टोटल खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने, वो 1716 करोड़ की, जो प्रीवियस में 1647 करोड़ थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1342 करोड़। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं, बट रिवेन्यू अब की बार फिर एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। अभी कितना प्रॉफिट है तो चलिए देखते हैं। भी टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो, अभी नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार 137 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 132 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 70 करोड़। तो 70 करोड़ से हमें जो प्रॉफिट है वो डबल होते हुए नजर आ रहे ऑलमोस्ट। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर हल्का सा जम पाया है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे 3.77 रुपये है, जो प्रीवियस में 3.64 थी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1.93। इसका इंपैक्ट कैसा है तो चलिए मार्केट एस्टीमेट से करते हैं कंपेयर। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप लोग देखोगे भी 3.57 रुपये एक्सपेक्ट किया गया था, आया 3.77 है, यानी कि अर्निंग पर शेयर को बीट किया है। इसके बाद देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमें देखने को मिले हैं वो अभी लगभग 1855 करोड़ के एक्सपेक्ट किया गया था, अभी लगभग 1840 करोड़ के आसपास। तो अर्निंग पर शेयर और ईपीएस और आप लोगों ने रिवेन्यू दोनों किसने जो अभी बीट किया है, तो इसका इंपैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव हमें जो अभी स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट रहा है अभी, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये नोट्स है ना भाई, इन्हें डिटेल में पढ़ लेना। ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिनस, ऑपरेटिंग मार्जिनस प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिनस भी आप लोग देखोगे भी पीछे के मुकाबले इंक्रीज है, ये भी पॉजिटिव है। और इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है, बस यही है भाई, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।